अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बेसिकली लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जो था हमारा शिफ्टिंग व्लॉग। तो आज हमारी नए घर में फर्स्ट मॉर्निंग है और अभी जो है वो बहुत सारी सेटिंग्स करनी हैं और हमारे प्रीवियस अपार्टमेंट में जाके वहाँ पर भी कुछ सामान है जो हमें शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज करनी है। तो आज का दिन बहुत हैक्टिक होने वाला है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना थोड़ा बहुत घर दिखाऊंगी और बाकी की सेटिंग्स दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो हियर इज आवर फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन आवर न्यू होम। हलवा पूरी। अभी चीज़ें क्या कहाँ हैं कुछ नहीं पता, तो मैं उमर का ऑर्गेनाइज़र जो है वो रूम में लेके जा रही हूँ। जो जो मिलता रहेगा हाथ के हाथ सेटिंग करते रहेंगे। और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, चाय मैंने बना ली है जो भी हम पियेंगे, और बस फिलहाल इतना ही। इसे रूम में लेके चलते हैं, इसको सेट करते हैं। डन विद इट, क्या कैसे रखा है वो आपको बाद में दिखाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इट्स डन। इस वक्त अम्मी लोगों के घर का सामान यहाँ पे आ रहा है, मजदूर सामान लेके आ रहे हैं। अब ये सब सेट होगा घर में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। बेसिकली ये वीडियो आप लोग 4 जून की देख रहे हैं। 4 जून को हम लोगों का फर्स्ट डे था न्यू घर में और अम्मी लोगों का सामान इस दिन आया था। हमारा 3 जून की रात में आ गया था, सारा सामान फैला हुआ था, बहुत सारे काम थे, इसलिए खाना हम लोगों ने बाहर से ही मंगवाया था। कुछ देसी खाना ऑर्डर किया था तो इस वक्त हम वो इंजॉय कर रहे थे। और फिर एक या दो दिन बाद हम लोग वॉक पे गए, वहाँ से नेपाल से का शरबत लिया जो घर आके इंजॉय किया, कॉटन कैंडी ली। सो या दैट्स इट। फिर 5 जून को मामा पापा की एनिवर्सरी थी एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई थी। आई वॉज सो अपसेट। मैंने बहुत मिस किया सबको क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद लगी हुई थी और मैं उनकी एनिवर्सरी पे सब इकट्ठे थे और मैं नहीं थी। बट देवर सो स्वीट। उन लोगों ने मेरा हिस्सा जो है वो केक का अलग रखा और नेक्स्ट डे मेरे लिए वो भेजा। केक बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा यमी था। कबाब चीज़ का केक था, मुझे बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इट। आई लव यू मामा पापा एंड टू ऑल माई फैमिली। अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा साथ रखे, खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन से मानी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से ग्लिम्प्स हमारी शिफ्टिंग के बाद की जो भी मैंने रिकॉर्ड कर सकी वो। और फिर 10 जून को यानी कि फ्राइडे को हम लोग गए पार्क। मेरी सिस्टर इन लॉ रुकने आई हुई थी, उन दिनों हम लोग चाह रहे थे हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, तो हम लोग पार्क गए बच्चों को लेके। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे पहले कभी पार्क्स में जाने का इतना शौक़ नहीं था जितना उम्र के होने के बाद हो गया है। बच्चों को पार्क्स में ले जाना चाहिए, ग्रीनरी होती है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे लाइट्स वगैरह स्विंग्स देख के खुश होते हैं। तो फिर हम लोग पार्क गए उम्र को लेके, मतलब हम सब लोग मिलके। हम लोग एक लोकल एरिया पार्क में गए थे, पार्क का एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उस पार्क को हम शादमान पार्क भी कहते हैं। तो हम लोग वहाँ गए। एज सच पार्क अच्छा था लेकिन जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, हम लोग मतलब कर रहे थे वैसा नहीं था, ग्रीनरी थोड़ी कम थी। तो फिर हम लोग वहाँ से दूसरे पार्क में जाने का हमने प्लान किया। इस वक्त आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं शादमान पार्क, लेकिन ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद हम लोग फ़तेह पार्क गए। फ़तेह पार्क हम लोग पहले भी गए, हमें बहुत अच्छा लगा था तो हम लोग दोबारा वहीं पे चले गए थे। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। इन दिनों में जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी हमने मूवीज़ देखी, दी बॉडी और भूल भुलैया 2, तो दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी थी। हमने इन शॉर्ट बहुत एंजॉय किया, ये टाइम शुरू के दिन नए घर में बहुत अच्छे गुजरे। तो दैट्स ऑल, ये वीडियो हमारी इतनी ही थी। और या आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। छोटा सा व्लॉग था, लाइफ अपडेट्स थी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। मूवीज़ अगर आप लोग सोच रहे हैं छुट्टियों में कौन सी देखें तो यू कैन वॉच दीज मूवीज़, अच्छी थी, मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Toodles.